बच्चों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? क्या हाल चाल बेटा सभी के? आ जाओ भैया, सारे जल्दी से आ जाओ। आज प्लांट किंगडम का फाइनल लेक्चर है, जिम दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म। इसको बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड किया है हमने, पूरा पूरा जो चैप्टर है, ताकि तुम लोगों को ज्यादा मुश्किल ना हो पढ़ने में, ये हमारी कोशिश है। चलिए बच्चों, माय नेम इज राहुल शर्मा एंड दिस इज माय कोड RS10। यू हैव टू अप्लाई दिस कोड टू गेट अ 10% डिस्काउंट। आपको 10% का सीधा ऑफ मिल जाएगा अगर आपने ये डिस्काउंट यूज किया तो किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। मुझे 5 साल हो चुके हैं बायोलॉजी पढ़ाते हुए मेडिकल विद्यार्थियों को, और बच्चों नीट के बच्चों के साथ 5 साल हो गए हैं। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पास का डाउट सेक्शन पे जाइए, क्लिक करिए डाउट को, क्रॉप कीजिए डाउट को, पोस्ट कर दीजिए, आपको एग्जैक्ट वीडियो सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। जस्ट क्लिक क्रॉप एंड क्लास। इफ यू फाउंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट ऑन द YT सेशन, यू कैन रिपोर्ट इट इन द बस बाउंड्री। एंड बच्चों, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सही बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, रेगुलर स्टडीज की तरफ मूव करो, अनअकैडमी का एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लो और लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ो। अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास रहने वाला है हर कोर्स का। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ साथ 100% कवरेज ऑफ सिलेबस है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस में तुम लोग रहने वाले हो। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में मौजूद है। प्रैक्टिस टेस्ट, डेली MCQs, वीकली मॉक टेस्ट, टाइप कैस सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। 2 साल की फी है बेटा मात्र 25,000। RS10 कोड लगा देंगे तो 22,500 ही हो जाएगा, ठीक है? यूज हेयर RS10 कोड, ठीक है बच्चों? 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक ये पैकेज अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और जिन बच्चों को लगता है कि सर आई पढ़ाई जो है ऑनलाइन में पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए एक पर्सनल मेंटर मिल जाएंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है उनके पास, पेरेंट कनेक्ट है, स्टडी प्लानर है, और ये सब कुछ आते हैं आइकॉनिक के अंदर। सारे बेनिफिट कवर हो रहे हैं आइकॉनिक में, तो इसको जल्दी से लीजिए, ठीक है? 48,000 का जो पैकेज है बेटा, ये है आपका 24 मंथ का। इसके ऊपर आपके 4800 तक ऑफ हो जाएंगे, और ये 2000 की EMI है, ये 1800 की हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे कोड इस्तेमाल किया है RS10। जस्ट पुट डाउन द कोड हेयर RS10। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक नो कॉस्ट EMI है। 12th क्लास वाले बच्चे 12 मंथ, और 11th क्लास वाले बच्चे जो लेंगे बेटा 24 मंथ का लेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए अब हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टाइटोफाइट, फिर चालू करेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म, क्योंकि हमने कल टाइटोफाइट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब उसकी लाइफ साइकिल बची है जो हम बात करेंगे। हमने बोला था कि हमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, यानी कि डिप्लॉइड है। होमोस्पोरस, यानी कि सेम तरह के स्पोर मिलते हैं लाइकोपोडियम, टेरिडियम, इक्विसिटम, ड्रायप्टिकस, सिलोटरम से, टेरिस एंड एडियंटम में सेम तरह के स्पोर मिलते हैं। हेट्रोस्पोरस का एक्सेप्शन है सेलेजिना सल्वीनिया। नीट में पूछा हुआ सवाल है, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ वही पॉइंट है यहाँ पे जो नीट में पूछे हुए हैं पहले, ठीक है? स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है उसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ को ट्रोकोफिल्स बोलते हैं, और जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं उसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है? तो स्पोरोफिल्स और ट्रोपोफिल्स, ये दो नाम याद रखना आप। स्पोरोफिल्स आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, और स्पोरोफिल्स भी फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है? समझ गए बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद करना है टाइटोफाइट तो ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए, आपका मैक्सिमम काम पूरा हो जाएगा बच्चे। लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफाइट यानी कि स्पोर बनाएंगे, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल वो ब्रांच है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं जिसके अंदर मियोसिस होगा, और क्या बनेंगे बेटा? स्पोर बनेंगे। यहाँ से आपका हैप्लांटिक लाइफ साइकिल चालू हो जाता है, यहाँ तक क्या होता है? डिप्लांटिक। और ये क्या है बेटा? आपका हैप्लांटिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे स्पोर बने, स्पोर ने गैमेटोफिटिक प्लांट या फिर प्रोथेलस को जनरेट किया। अब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया क्या है बेटा? मेल वाला पार्ट है, और आर्चिगोनिया क्या है बेटा? फीमेल वाला पार्ट, ठीक है? यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, और यहाँ पे एग बनेगा जो कि नॉन मोटाइल होगा। ओओगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, जूडियोगैमी यानी कि मोटाइल मेल गैमेट है यहाँ पे, ठीक है? जायगोट बना, वापस से डिप्लॉइड स्टेज में आके एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट बना।
बहुत सिंपल स्टेज है, बहुत सिंपल तरीके से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रायोफाइट के अंदर। ये टाइटोफाइट के अंदर, ब्रायोफाइट की में भी कॉम्प्लेक्स थी, टाइटोफाइट की तो बहुत ज्यादा सिंपल। बोलो भाई हाँ या ना, जय, जल्दी से बोलो बेटा, सबको समझ में आ गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो एंथीडिया और आर्टिगोनिया बनते हैं, मेल और फीमेल, एंथ्रोजॉइट स्पाइरल हो सकता है, मल्टीफ्लैजेलेटेड हो सकता है, जूडियोगेमी माने कि मोटाइल गैमेट, मोटाइल मेल गैमेट, जायगोट माइटोटिकली डेवलप करता है, यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है जैसे ब्रायोफाइट में होता था। ठीक है, सेक्स ऑर्गन ओगेमस है, सेक्सुअल टाइप के सा है, क्योंकि मोटाइल मेल है, नॉन मोटाइल फीमेल है, डिप्लो हैप्लांटिक लाइफ साइकिल है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लोइड है और गैमेटोफाइट आता है हैप्लोइड प्लांट बॉडी के अंदर। यूनिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। चलो भाई तो ये देख लो भाई, लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट ने बनाया, मेल होगा फीमेल होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, मियोसिस के बाद फिर से चीजें बदल जाए। ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है, ठीक है, और ये यहाँ से इसने स्पोर निकाले, ये एंथ्रोजॉइट, यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से वापस स्पोरोजॉइट बनी है, तो बहुत इजीली ये हो गया है। टेरिडोफाइटिक क्लास की बात करें तो बेटा एनसीईआरटी के सिर्फ नाम और एग्जांपल दे रखे हैं, वही हमारे लिए काफी है। सिलप्सिडा, लाइकप्सिडा, सिनप्सिडा एंड टेरप्सिडा। ठीक है, सिलप्सिडा कौन सा है, सीलोटम, लाइकप्सिडा कौन सा है, सेलेजिनेना एंड लाइकोपोडियम, सिनप्सिडा कौन सा है, इक्विसिटम, टेरेप्सिडा कौन सा है, ट्रायप्टिकस, टेरिस और एडियंटम। ये नाम याद रखना, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम याद रखना आप लोग, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए डायग्राम याद रखना, सेलेजिनेना, इक्विसिटम, ठीक है, ये स्ट्रोबेलाई जो ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, उन सब चीजों की बात हमने पहले भी कर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एंशियंट होते हैं बेटा सिलोप्सिडा, फिर लाइकोफिला के अंदर बॉडी डिफरेंशिएट होने लग जाती है, यहाँ पे बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। कॉमन क्लब मॉस और सेलेजिनेना, बर्ड नेस्ट मॉस, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन ऐसा दिखता है सेलेजिनेना का नेस्ट। चलो भाई, और ये बाकी क्लासेस है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। होस्ट सेल को सिनेप्सिडा के अंदर डाला गया है, फिनोप्सिडा के अंदर डाला गया है, यहाँ पे रूट स्टेम और इसके लीव्स होती है, ठीक है, एग्जाम्पल इसका एक्विसेटम भी है, एक्विसेटम में बनते हैं। टेरेप्सिडा लार्जेस्ट ग्रुप है जिसके अंदर फर्न्स आते हैं, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। मेगा स्पोरोफिल यानी कि बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉन्स होते हैं, रेमेंटा नाम की एक चीज यहाँ पे मिलेगी जो कि मल्टी सेलर हेयर है। वॉट इज रेमेंटा बेटा, रेमेंटा इज अ मल्टी सेलर हेयर, ठीक है, यंग राइजोम में प्रेजेंट होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रोपोफिल्स एंड स्पोरोफिल्स, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे ट्रोपोफिल्स यानी कि नॉर्मल लीव्स और स्पोरोफिल्स में कोई डिफरेंस नहीं। चल ये देख सकते हो तुम लोग, एक्सटर्नल फीचर ट्रायप्टेरिस और वेंट्रल वी ऑफ पिन्ना शोइंग दिस सोराई, ये सोराई होते हैं, ये फ्रॉन्ड है, बड़ी बड़ी लीव्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलिए भाई, जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड, नेकेड सीड वाले प्लांट की बात यहाँ पे करेंगे। सुंदर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में खूब मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। मेन प्लांट, मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म को जिम्नोज बोलते हैं, जिनके अंदर मतलब है नेकेड या स्पर्मा। आर दी प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज इन द ओवरीवॉल, ठीक है, ओव्यूल्स के बाद ओवरीवॉल नहीं होती है, वो एक्सपोज रहते हैं बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मेन प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है, टैप रूट होती है यहाँ पे, प्राइमरी रूट मौजूद है। माइकोराइजा के एसोसिएशन में मिलते हैं, यानी कि फंगाई के एसोसिएशन के अंदर रूट प्लांट की मिलती है पाइनस के अंदर, ठीक है। पोलरॉइड रूट क्या, एल्गी के साथ एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है, जब रूट का एसोसिएशन किसके साथ हो जाए, फंगाई के साथ हो जाए तो माइकोराइजा, और जब एल्गी के साथ हो जाए तो पोलरॉइड रूट, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ भी, बस ठीक है, यह बात ध्यान रखो। चलेंगे,
वैष्णवी, हेलो बेटा वैष्णवी, बहुत देर में आए हो। नोट याद रखना बेटा, सम जनरा है वह फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस, वह सम है साइकस द कोलोइड। ये देख सकते हो तुम लोग, ये क्या है, एक तरीके का माइकोराइजा है। ये क्या है बेटा, एक तरीके का माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या होती है बेटा, रूट प्लस फंगाई। जब पाइनस के अंदर मिलता है रूट्स प्लस फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं। रूट्स प्लस फंगाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं। लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, यानी कि डिप्लॉइड है। ऑल जिम्नोस्पर्म आर डायोशियस, पाइनस इज मोनोशियस, यानी कि सब में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, बट पाइनस के अंदर दोनों एक में होते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। एवरीथिंग इज हेयर, हेलो भाई, ठीक है। स्पोरेंजिया बोन ऑन दिस स्पोरोफिल, जो कि स्पोर बियरिंग लीफ है उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेंगे, ठीक है। स्पाइरली अरेंज, ये देख सकते हो तुम लोग, ये स्पाइरली अरेंज होते हैं, ठीक है। वही जैसा कि टेरिडोफाइट में था, कॉम्पैक्ट एपिसिटम के अंदर स्ट्रोबिलाई और कॉर्न यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। हेटरोस्पोरस होते हैं सारे जिम्नोस्पर्म, वही देखा था हमने कि वहां पे होमोस्पोरस होते हैं, सेलेजेना और सेल्विनिया वहां पे हेटरोस्पोरस होते हैं। बेटा अच्छे खासे लंबे होते हैं, हिली एरिया मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर तुम लोगों ने सभी ने अपने घर में देखा होगा। ये फीमेल कौन होता है और ये वाला होता है मेल कौन, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग घर में सजाते हैं, सजाते हैं नहीं सजाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग घर में सजाते हैं ना, कई घरों में ये मिल जाता है। यस और नो गाइस, यस और नो बोलो, हाँ है ना। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो ये होता है फीमेल कॉर्न ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। सब कुछ बहुत सिंपल है। माइक्रोस्पोर मदर से डिफरेंशिएट होता है न्यू सेलस के अंदर। न्यू सेलस के अंदर मेगा स्पोरोसाइट होता है, इंटेग्यूमेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर ये एंड होता है यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को ओव्यूल बोलते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होता है, फोर बनाता है, खाली एक बनता है फंक्शनल, ठीक है। तीन डी जनरेट हो जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम इसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है, ठीक है। आर जिगोनिया के अंदर एग बनता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। पोलन ग्रेन होता है, मेल गैमेटोफाइट रीच बाय ओव्यूल बाय द विंड। मेन पोलिनेशन कैसा होता है, विंड, विंग्ड पोलन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट टुवर्ड्स द आर्जिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्जिगोनिया। फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू द सीड। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, दीज सीड्स आर नेकेड, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन जूडियोस्पिनोगैमी, यानी कि स्पिनोगेमी का मतलब होता है पोलन ट्यूब बन रही, मोटाइल गैमेट और पोलन ट्यूब बन रही, मोटाइल ट्यूब और पोलन ट्यूब बन रही है। जू का मतलब होता है मोटाइल जूडियो स्पिनोगेमी, मतलब कि पोलन ट्यूब से ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे जू हट गया है तो यानी कि नॉन मोटाइल गैमेट पोलन ट्यूब से ट्रांसफर हो रहा है। जब मोटाइल गैमेट पोलन ट्यूब से ट्रांसफर हो रहा है तो जूडियो स्पिनोगेमी और नॉर्मल में स्पिनोगेमी, समझ गया बात को। चलिए लाइफ साइकिल की बात करें तो बेटा स्पोरोफाइट, ठीक है, टू एन है, मेल कौन फीमेल कौन, माइक्रोस्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम, मियोसिस होगा माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर, ठीक है। दोनों हैप्लॉइड हो जाएंगे, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फ्यूज हो गए, जूडियोगेमी स्पिनोगेमी फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके से हो सकता है। मेल गैमेट मोटाइल भी हो सकता है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल भी हो सकता है। जायगोट की फॉर्मेशन होगी जो कि टू एन स्ट्रक्चर है, उससे वो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो सीड और सीड किसमें डेवलप हो जाएगी, स्पोरोफाइट के अंदर, ठीक है। सीड यहाँ पे कैसा होगा बेटा, विदाउट ओव्यूल, नेकेड सीड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। समझ आ गया यहाँ तक की बात, पूरी पूरी लाइफ साइकिल समझ आ गई ना। स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग है, मेल और फीमेल, सिर्फ पाइनस में एक जगह होते हैं, बाकी में सब अलग अलग होते हैं, डायसिस होते हैं, ठीक है। वहां से मेल को मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। आर्जिगोनिया और एंथ्रीडिया के अंदर वहां से जाके दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद क्या बना लेंगे, एम्ब्रियो बना लेंगे, उसका सीड, सीड नेकेड होगा और उसके बाद स्पोरोफाइट, यानी कि ओव्यूल के बाद ओव्यूल,
और ना के पास स्पीड पोर्ट नहीं होगा बेटा। ओके बेटा एवरीथिंग, बेटा नाम तो दे तेरा। देखो बेटा हैप्लॉइड, गैमेट, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, माइटोसिस हुआ, पोलिनेशन हुआ, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट पोलन जो कि विंग्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर माइटोसिस से एम्ब्रियो बना, फिर इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बन जाए। सिंपल लाइफ साइकिल है, एज सिंपल एज, मोस्ट सिंपल लाइफ साइकिल है किसकी, जिम्नोस्पर्म, मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। चलिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस एज अ फूड यूज होता है जिम्नोस्पर्म, एज अ मेडिसिन, एज अ टिम्बर, एज अ ऑयल सोर्स, एज अ इंडस्ट्रियल वैल्यू, एज एस्थेटिक वैल्यू, सब जगह ये यूज होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखते थे, बहुत शानदार चीज है, आप लोगों सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। चले तो बच्चों ये था जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी के ऐप के ऊपर कुछ भी ट्राई करना है तो ये वाला कोड डाल सकते हैं, क्विजेज अटेंड करनी है चाहे स्पेशल स्पेशल क्लासेज अटेंड करनी है तो ये वाला कोड अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये वाला कोड अगर आप लगाएंगे तो आप कुछ भी चीज़ फ्री में ट्राई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ठीक है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस सेशन को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है आप लोगों के लिए, बनाया गया था बहुत उम्मीदों के साथ, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ये कोड का इस्तेमाल करो ताकि तुम लोग एक प्रॉपर सही रास्ते पे आ सको। ठीक है, शौर्य समझ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।